दिख रहा है ना एकदम अच्छा। कढ़ाई रख ली है मैंने, उसमें मैंने आधा बड़ा चम्मच तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले, इसमें मैं डालूंगी दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, इनको चटकने देंगे। थोड़ा चटकने के बाद इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच, एक टेबल स्पून जीरा, इसको भी चटकने देंगे। इसमें डालेंगे हम एक पिंच हींग, चाहो तो आप चुटकी भर बोल सकते हो। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा चलाएंगे वरना जल्दी से ये जलने लगता है। और इसमें डालेंगे हम अभी प्याज का प्यूरे बनाया था मैंने, 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको हम पकने देंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे और इसके हीक ना निकल जाए। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 चम्मच दही, नमक डालूंगी इसमें, इसमें डालेंगे मिर्ची 1.5 चम्मच लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें लिया है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। मैं किचन का गरम, कैच का गरम मसाला यूज कर रही हूँ, और ये पनीर का ही है, आप पनीर का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसको मिलाना है, हल्का हल्का मिलाना है, अगर आपको सूखा लगता है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसका प्यूरी बना लिया था, इसको मिलाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम काजू का पेस्ट, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया, अगर आप ऐसे देखेंगे तो करीब 10-12 काजू थे, इसको मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था अच्छे से, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको तेल छोड़ने लगा है, अभी इसमें हम डालेंगे दही वाला मसाला जो हमने बनाया था, सारे मसाले डाल के, नमक मिर्च हल्दी सारा डाल के बनाया था, इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसको तेल छोड़ने तक पकाना है। इसमें फिर हम डालेंगे 1 कटोरी पानी, देखिए इस तरीके से तेल छोड़ने लगेगा। मैं उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ जिससे मैंने दही वाला मसाला डाला था, 1 कटोरी पानी डाला है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं बस इतना ही डालूँगी। इसको ढककर रखेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है, अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी इसमें हम डालेंगे पनीर के स्लाइस जो हमने काट के रखे थे, मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितना अच्छी लग रही है ना देखने से हमारी सब्ज़ी, अभी इसे मुंह में पानी आ रहा है ना। बस अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम जो मैंने खुद ही घर पे बनाई थी मलाई से, आप मलाई भी बोल सकते हो इसको या क्रीम भी बोल सकते हो। बस इसको अच्छे से मिलाना है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना हमारी सब्जी का, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। हमारी सब्जी पक चुकी है, इसको हम सर्व करेंगे। देखिए सर्व किया है, इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूंगी और कद्दूकस करके थोड़ा सा पनीर डालूंगी, उससे हमारी सब्जी का ना एकदम जो मिलता है ना ढाबे पे ऐसा ही सब्जी का एकदम फ्लेवर लगेगा। बस अभी बनके तैयार है हमारी सब्जी, आप चाहें तो
घर पे बना सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।